अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मकसूद भुट्टर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मकसूद साहब, सेफ सिटी आकर आपको कैसा लगा? सेफ सिटी आके मुझे बिल्कुल, मेरे लिए ये सरप्राइज था। यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए और हमारे इस शहर को महफूज करने के लिए। इंसाफ देने वाले इदारे और सेफ सिटी किस तरह से इश्तराक कर सकते हैं? उसमें मैं कहता हूँ कि जो यहाँ मैंने देखा आपका सिस्टम सारा, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, कलेक्शन ऑफ मटेरियल के हवाले से और इवन एविडेंस के हवाले से, तो वो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है। और हमें इसमें ट्रायल के हवाले से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से और इवन कोर्ट्स को अपने फैसले करने में काफ़ी मदद मिली। सर, अभी आपने एविडेंस की बात की है, मुझे बताइए कि किस तरह से डिजिटल एविडेंस किसी भी मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए मुआविन साबित हो सकता है? मैं समझता हूँ ये तो बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की एविडेंस है। इसमें 164 भी ऐड हुआ कानून शहादत में और ये एडमिसिबल है, ऑब्वियसली लॉ ब्रेकिंग है इसे। और इसमें कुछ इंसिडेंट आपके पास जो हमने यहाँ आके देखे या जनरली हम देखते हैं, वो तो पूरे का पूरा जो है वो मैं समझता हूँ एक नक्शा चेंज हो जाता है, जो कंप्लेंट है किसी की, कंप्लेनेंट की और जो फैक्चुअल सूरत है। तो उसमें अगर ये चीज़ें इस तरह वाजे हो जाएं कि जो हमारा बड़ा एक कन्वेंशनल सा सिस्टम है कि जी आई विटनेसेस, तो आई विटनेस के लिए ये अब तो पॉसिबल ही नहीं है जिस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये कैमरे हम समझते हैं ये आई विटनेस। अगर हम इसको सारे के सारे सिस्टम को ले आएँ, जैसे मेरी बात भी हुई यहाँ अपना ब्रीफिंग के दौरान, कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अपना ट्रायल भी ले आए इसी पैरामीटर्स पे, वीडियो लिंक पे, जिसमें गवाहान को सेफ्टी मिल जाए, इस जो जजेज हैं उनको सेफ्टी मिल जाए, तो फिर उस सारे सिस्टम को अगर ले गएंगे तो फिर ये टाइम की बचत हो सकती है। इंसाफ हासिल करने में टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है? ये ना सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है या एक्सपर्ट ओपिनियन है मैं समझता हूँ, बल्कि ये डायरेक्ट एविडेंस है। तो ये उसका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है जो हम कन्वेंशनल डायरेक्ट एविडेंस की बात करते हैं। तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए तो ये बड़ा अपना मफीद है जी। खवातीन के तहफ़ुज़ के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने वुमेन सेफ्टी ऐप का इजरा किया। आप क्या समझते हैं कि खवातीन से मुतालिक जो जराइम हैं जैसे घरेलू तशद्दुद वगैरह, इसमें किस हद तक कमी आ सकती है? डेफिनेटली जी, एक हमारा माशरे का एक रवैया है जो मेल डोमिनेट हम इसे कहेंगे, हमें मान लेना चाहिए, खुले दिल से मान लेना चाहिए। और औरत को ट्रीट करते हुए हम बिल्कुल ये महसूस नहीं करते कि ये भी ह्यूमन बीइंग है। तो इस तरह जो सेफ सिटी ने अपना ये एक तरीका जो अपनाया है, उसमें डेफिनेटली उनको अपनी सेफ्टी के लिए या उनके खिलाफ कोई क्राइम होता है तो उसकी कंप्लेंट के लिए या उसको प्रूव करने के लिए बहुत सहूलत है। और उन्हें जो एमरजेंसी में जो हेल्प चाहिए, अगर वो जो सिस्टम मैंने यहाँ देखा, तो डेफिनेटली इससे बहुत फ़र्क है। कवानीन को अमल दरामद कराने में काफ़ी बेहतरी आई है, जैसे हम बात करते हैं ट्रैफिक वॉयलेशन की, हादसात में काफ़ी कमी वाकई हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सेफ सिटी जब आया वॉयलेशन बहुत कम हुई। हाँ, उस वाले से हम देखें तो देखा है हमने जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम है उसमें बहुत बेहतरी आई है। और जो ई चालान है उसने डेफिनेटली बहुत फ़र्क जो है इसमें आया है। और जो आम लोग हैं उन्होंने भी इसको फॉलो किया है और जो प्रिविलेज लोग हैं उन्होंने भी इसको फॉलो किया है, इसलिए कि वो कैमरा किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सबके लिए देखता है, तो इसमें डेफिनेटली फर्क पड़ा जी। मकसूद साहब, इस पूरे सिस्टम को देखने के बाद आप अपनी वुकला कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वैसे तो ओवरऑल ये सारे का सारा सिस्टम ही बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मैं इंटरेस्टिंग भी कहूँगा, इंफॉर्मेटिव भी कहूँगा और बेनिफिशियल भी कहूँगा। तो वुकला के लिए ये एक मैं उस हवाले से कहूँगा, एक तो वुकला के लिए भी है लेकिन बाकी सब के लिए भी, ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से वो इंफॉर्मेटिव भी है और हमारे लिए गलती से बचने का वो एक देते हैं मीडियम के जी, आप इस तरह की गलती ना करें। जहाँ तक सिर्फ वकला की बात करें तो वो ऑब्वियसली जो एविडेंस कलेक्ट होती है उस एविडेंस को
जब चालान के साथ साथ प्रूफ के तौर पे लाया जाता है तो वो उस ट्रायल में बहुत आसानी होती है, ट्रायल का जो लेंथी ट्रायल है उससे बचत होती है और जो अननेसेसरी जो प्रोसीडिंग होती हैं उससे बचत हो सकती है। और हमें ट्रायल करते हुए अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन पे अगर हमारी एक्सेस हो जो ऑब्वियसली जो आईओ है उसने कलेक्ट की होती है तो इसमें काफ़ी आसानी किसी को इंसाफ दिलवाने में काफ़ी मदद साबित हो जाएगी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप हमारे प्रोग्राम जी थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोग हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ अल्लाह निगहबान।